लड़ाकू रफेल विमान इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एयरफोर्स की पूर्व विंग कमांडर अनुमाचार्य जी हैं। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पर। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आखिर जो रफेल लड़ाकू विमान है वो और विमानों से कैसे अलग है? ये तो फाइटर जेट है जो बिल्कुल फिफ्थ जनरेशन मान सकते हैं इसको, और इसमें हमारा एक तो ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके एक्चुअली बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे रिकॉनिसेंस के भी काम आता है, एयर टू ग्राउंड अटैक के भी काम आता है, फोटोग्राफी के भी काम आता है, न्यूक्लियर मिशन में भी इसका उपयोग हो सकता है। तो ये एक नई जनरेशन का जहाज है और इसकी स्पीड भी अच्छी है, और इसके साथ जो इसकी कॉम्पेटेबल मिसाइल्स आ रही है इस बार मिट्योर और स्कैल्प, उसके कारण इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ गई है, बड़ा अचूक निशाना लगता है। ये जो लड़ाकू विमान है इसकी ट्रेनिंग भी सुना है अलग होती है, फ्रांस में जाकर होती है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है अगर आप कुछ बता पाए हमारे दर्शकों को? देखिए, जो हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ एक इनबिल्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस भी देश से हम करते हैं, तो उसमें हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग देने की भी बात होती है, हमारी टेक्निकल टीम को भी ट्रेनिंग देने की बात होती है। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बनता है वो लगभग टोटल 3 साल उस कंट्री में रहता है जहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उसके इंजीनियर्स होते हैं, उसके जो हमारे एयरमैन होते हैं, टेक्निकल ट्रेड्समैन होते हैं, वो सब पहले से होते हैं, और ये जब सप्लाई शुरू हो जाती है उसके बाद भी 1.5 साल तक वो लगभग वही रहते हैं। पायलट्स जरूर जो होते हैं उनको करीब 6-8 महीने पहले भेजा जाता है। तो जैसे अब जुलाई में जहाज आ रहे हैं तो इसका मतलब हम समझ लें कि दिसंबर के आसपास हमारे पायलट्स वहां पोजीशन हो गए थे और उनकी निरंतर ट्रेनिंग चल रही है। जो कमांडिंग ऑफिसर है जिनके अंदर ये पूरा स्क्वाड्रन तैनात होने वाली है, तो वो खुद उसको शायद फेरी करके लाएंगे और वो खुद भी वहां पर हैं। ये एक तरह की सिमुलेटर ट्रेनिंग भी होती है जिसमें रियल टाइम एक पूरा एनवायरनमेंट होता है और उसके अंदर आपकी पूरी, जैसे आप टेक ऑफ करते हैं वहां से लेकर लैंडिंग तक पूरा होता है। उसके अलावा जो जहाज हमारे भारत में आने वाले हैं उन इंडिया स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के ऊपर प्रॉपर जो उड़ान की ट्रेनिंग होती है वो भी की जाती है। तो इस तरह से बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और पूरी कुशलता के साथ हमारे इंजीनियर्स और पायलट्स दोनों तैयार किए जाते हैं। ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और भारत को एक अच्छे रफेल मिलने वाला है, जैसा आपने उसका जिक्र किया कितना शक्तिशाली होता है, तो कहीं ना कहीं अब भारत, वो चीन और पाकिस्तान पर इसका कुछ दबाव पड़ेगा और भारत की जो एयरफोर्स है और मजबूत होगी। हाँ, इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि इस वक्त हमारी भारतीय वायुसेना को लगभग 250 जहाजों की जरूरत है, उसमें से ये पहले 6 जहाज आ रहे हैं। तो इनका आना अपने आप में एक तरह की डेटरेंस वाली घोषणा होता है कि भाई ऐसे जहाज यहाँ आ रहे हैं। चीन के पास अभी तक रशियन मेक थे, Su-30, Su-35 इस तरह के जहाज थे, और एक उन्होंने अभी थोड़े समय पहले, लगभग 3 साल पहले जहां तक मुझे याद है, एक चेंगदू A-20 जहाजों की उन्होंने बनाने की घोषणा की थी, उसका प्रोटोटाइप बना के वो कर चुके थे, उसका परीक्षण कर चुके थे। अब प्रोटोटाइप के बाद क्या उन्होंने पूरी स्क्वाड्रन उसकी तैयार की है इसकी कोई जानकारी नहीं है, और वैसे भी प्रोटोटाइप बना के टेस्ट करना जितना आसान होता है उतना आसान पूरी स्क्वाड्रन को तैयार करना नहीं होता है। तो इस हिसाब से जब राफेल हमारे पास आते हैं तो राफेल की टोही क्षमता चेंगदू से कई ज्यादा है। इस तरह से हम हमारी सेना में जब राफेल पूरे आ जाएंगे तो हम उनसे 2 कदम आगे ही नजर आएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब जो पाकिस्तान उस पर सीधी नजर आ जाएगी और ये जो लड़ाकू विमान है ये कहां पर तैनात होंगे? ये खबर भी मीडिया से बहुत ज्यादा प्रचारित हो चुकी है कि इन जहाजों को अंबाला एयरबेस में रखा जाएगा, स्क्वाड्रन वही बनेगी। अंबाला वैसे भी देश का एक प्रीमियर फाइटर बेस रहा है तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, और जिस तरह का हमें रनवे चाहिए, जिस तरह की बाकी जो हमारी सामरिक नीति होती है उसके हिसाब से अंबाला को इसके लिए चुना गया है। और ये अंबाला जैसे एयरबेस के लिए भी बहुत फख्र की बात है कि एयरफोर्स की फ्रंट लाइन का एयरक्राफ्ट पहले वहां पोजीशन हो रहा है। और एयरफोर्स के लिए कितने गर्व की बात है, क्योंकि खुद आप एयरफोर्स में रही हैं तो कितने गर्व की बात होगी कि जब लड़ाकू जैसा विमान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाए।
तरुण जी, भारतीय वायुसेना में जब भी कोई इन्वेंटरी में नया जहाज आया है, जिस समय मैंने सर्विस ज्वाइन की थी उस समय मिराज 2000 नए ही माने जाते थे, तो हर बार खुशी होती है। एक से एक अच्छी टेक्नोलॉजी के हमारे पास जब आयुध आते हैं, जहाज आते हैं, तो हम सब बहुत खुश होते हैं। और भारतीय वायुसेना की चूंकि इससे सामरिक शक्ति बढ़ती है, वैसे भी हमारी वायुसेना पूरे विश्व में तीसरे या चौथे नंबर पर आती है, तो उस हिसाब से राफेल का आना, जो कि हमारे अलावा केवल जहां तक मुझे मालूम है मिस्र में है, उसके अलावा फ्रांस तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है और उसके बाद हम हैं, तो ये निसंदेह बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, अपने आपने हमें अपना कीमती समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप पर। धन्यवाद।